हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको वादा करा था कि मैं एक माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाऊंगी विद वॉइस ओवर और माइनक्राफ्ट की, और उसमें आज मैं खेलने वाली हूँ माइनक्राफ्ट। आपने मेरा देख ही लिया होगा शायद, वर्ल्ड नहीं मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो मैं अगली वीडियो में आपको वही दिखाऊँगी गेमिंग की। ये पहले मैं एक न्यू क्रिएट कर रही हूँ सर्वाइवल का, उसका मैंने नाम रखा है लोडिंग। और हार्ड नहीं कर पाऊँगी, मैं नॉर्मल कर रही हूँ। और सारे चेस्ट और स्टार्टिंग मैप सारे खोल देती हूँ और जल्दी से क्रिएट करते हैं। आइए अभी लोडिंग हो जाए, जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि माइनक्राफ्ट होता क्या है। माइनक्राफ्ट एक गेम होता है जिसमें आपको एक अपने सर्वाइव, जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं वैसे से ही जीना है। बस आपके पास पैसे नहीं, आपको वो चीज़ें कमानी पड़ेंगी कर कर के। मेरे पास एक मैप है यहाँ पे, मेरे को पता नहीं है ये किस लिए है, बस मेरे हाथ में मैप है। अब मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, पहले मैं मैप देख लूँ। आइए लकड़ी तोड़ते हैं। आइए अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं लकड़ी तोड़ूँगी, और लकड़ी से मैं एक पिकैक्स और एक्स और एक मतलब सारी चीज़ें बना के, और स्टिक भी बना के, फिर मैं एक अपना एक माइनिंग करने भी जाऊंगी। पर अभी नहीं जाऊंगी, मैं बाद में ही जाऊंगी, बस रात ना हो जाए और रात तक, रात से पहले मेरे को बेड मिल जाए। और बेड मिलते हैं 3 वूल से और 3 प्लैंक से। उनको आपको क्राफ्टिंग टेबल पे लगाना होता है सही से, और फिर आपको मिल जाएंगे। ये सबको पता है, ये कॉमन चीज़ है। आइए मैं भी कहाँ लगा दिया है, और आइए ये नॉर्मल मैं फ़ोन में खेल रही हूँ बिकॉज़ फ़ोन में ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो लैपटॉप में आईडी लॉगिन नहीं है, सिर्फ इसलिए लैपटॉप या कंप्यूटर में। सो जल्दी से हम लकड़ी तोड़ते हैं। लकड़ी तोड़ने के बाद फिर जी क्रिएट मैप है, इसको तो इसका काम तो बाद में करेंगे, और शायद मैं इसके बाद भी खेल लूँ। हर चीज़ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, शायद हो सकता है कि मैं इसके बाद भी खेलूं, और मैं आपको आके बाद में दिखा दूंगी। सो इस वर्ल्ड का नाम मैंने लोडिंग रखा है और डॉट डॉट डॉट। सो मैं याद, आप याद रखना ये लोडिंग वर्ल्ड है, और जो मेरा नॉर्मल वर्ल्ड है जिसको मैं अभी खेलती हूँ मतलब कभी कभार, उसका नाम मैंने रखा है सिर्फ ई, बिकॉज कोई भी ऐसे नाम मेरे को सूझ नहीं रहा था। और मैंने ये वर्ल्ड तब बनाया था जब माइनक्राफ्ट पॉपुलर हुआ था, और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल रखा था और सिर्फ लोडिंग, और ये लोडिंग मैंने सोचा था कि मैं अपने चैनल का नाम भी रखूं। तो मैंने सोचा कि ज़्यादातर जो ऐसे लोग नाम रखते हैं उनका वो पॉपुलर नहीं हो पाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही सही रख दिया। मैं सोच रही थी कि मैं चेंज कर दूँ, बट मैंने सोचा कि अभी जब अच्छा सा नाम आएगा तब। मैंने इससे पहले बहुत सारे नाम रखे थे, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती, मैं तो बहुत सारे भूल भी चुकी हूँ। और मैंने वो एडिटिंग वाली लड़की से पहले एक नाम रखा था, उसका नाम रखा था मिसेस एडिटिंग वाली लड़की, फिर मैंने मिस कर दिया था, गलती से मैंने मिसेस लिख दिया था, फिर मैंने थोड़ी देर बाद ही मिस कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि कुछ और ही रखता हूँ, ये गंदा से लग रहा था मेरे को, तो फिर मैंने कुछ और ही रख दिया। तो हर मैं आपको अपने चैनल का सीक्रेट, चलो पहले हम स्टिक बना लेते हैं, मैं बना लिया। अब क्राफ्टिंग टेबल, मैं भी क्या बोल रही हूँ, क्राफ्टिंग टेबल, और सारी चीज़ें नहीं बन चुकी हैं। अभी मेरे को एक और वो लेनी है, मतलब दूसरी वाली लकड़ी जैसी ये वाली होती है, और इससे मैं अपने प्लैंक्स बनाऊंगी और फिर स्टिक्स, और ऐसे ही करके मैं एंडर ड्रैगन को भी बीट करने जाऊंगी। और अगर मैं कर पाई तो मैं वीडियो पक्का बनाऊंगी जब भी मैं जाऊंगी एंड वर्ल्ड में। तो इसी बात का मेरे को डर था कि अगर एंड वर्ल्ड में मैं जाऊंगी इसी वर्ल्ड का, मैंने अभी तक कभी भी मतलब मैं नेदर में भी नहीं गई हूँ आज तक, वैसे गई हूँ पर सर इसी वाले मतलब इस वाले मैप में नहीं गई हूँ, मैंने अभी क्रिएट करा है। और
जल्दी जल्दी लकड़ी तोड़ देते हैं और फिर जल्दी जल्दी वूल कलेक्ट करने का सोचते हैं हम। शायद मैं बहुत बार होता है कि मेरे सामने होती है शीप और मैं भूल जाती हूँ कि उससे वूल लेना है उसको मार के, तो इसीलिए ही मैं ये करती हूँ। और अभी हम जल्दी जल्दी हम ये प्लैंक्स और सारी चीज़ें क्राफ्ट कर लेते हैं और फिर हम क्राफ्टिंग टेबल लगा के सारी चीज़ें कर देंगे। आइए, मैंने गलती से टॉर्च पर क्लिक कर दिया था और शेल्टर बॉक्स और सारी चीज़ें मैं इसी वर्ल्ड में आपके सामने सामने वर्ल्ड भी मतलब अपना वर्ल्ड बोल रही हूँ, अपना घर भी बनाऊँगी और जो भी आप बोलेंगे मेरे को कमेंट्स में मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। सो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी माइनक्राफ्ट टूर की, मतलब माइनक्राफ्ट का हाउस टूर। सो उसके लिए मेरे को कमेंट करके बोलिएगा और जितने लोगों को ये गेमिंग वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो वो जल्दी जल्दी मेरे को बताएं कि मैं गेमिंग की वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। जल्दी से कमेंट कीजिए। आप सोचेंगे कि ये मैं कमेंट्स के लिए कर रहा हूँ पर मैं कर नहीं रहा हूँ कमेंट्स के लिए, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी गेमिंग की वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। मैंने अभी 6 मिनट्स की वीडियो कर लिया, मेरे को पता नहीं लगा और मैंने 6 मिनट्स की वीडियो कर लिया। अभी हम सारी एक्स और सारी चीज़ें, शवल भी बना ली मैंने। शवल बहुत ज़रूरी होती है, जैसे अगर हम डिग कर रहे हों और वो तो चाहिए ही होगी, सो इसलिए अभी क्राफ्टिंग टेबल में हटा देता हूँ। आइए, अब मैं क्राफ्टिंग टेबल, आइए उठाते हैं, अब इस पिग को मारेंगे हम। आइए चलते हैं और पीछे यहाँ पे एक स्केलेटन है शायद, पर मैं नहीं देखूँगी उसके पास, नहीं तो वो मेरे को मारने आ जाएगा। और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ वुड की चीज़ें हैं, मेरे पास स्टोन की भी चीज़ें नहीं हैं अभी, तो मैं मार नहीं सकती हूँ अभी। सो इस पिग को ही मार दिया जाए, पिग तो कुछ करते नहीं है। मेरे को लेदर भी चाहिए, लेदर से मैं बना सकती हूँ लेदर का फुल आर्मर सेट, बट लेदर बहुत मुश्किल से मिलता है, लेदर भी बहुत सारे चीज़ होते। चलो HP तो मिली, अभी HP तो 1 भी नहीं हुई है अभी तक पूरी। आइए चलते हैं, मैं जितनी कोशिश करूँगी जितना मेरे को आता है मैं उतना करके दिखाऊँगी आपको, वरना मेरे को ज़्यादा माइनक्राफ्ट आता नहीं है। सो हमारे ट्रीज, ये ट्री जैसे लैंड में अभी डिग करता हूँ अभी, बिकॉज मेरे को ना स्टोन चाहिए और स्टोन थोड़ा डिग करने पे ही मिलता है और स्टोन की फिर मैं शवल और सारी चीज़ें भी बना सकता हूँ। तो एक अभी हमें स्टोन मिल चुका है, तो मैं दूसरे में भी डिग करती हूँ, जैसे कि 2 ब्लॉक्स का डिग हुई। ये क्या आ गया, ज़ॉम्बी है ये। चलो अभी आते हैं, एक्स से मारेंगे, खुद ही मर गया वो। ये रॉटन फ्लैश मेरे को चाहिए तो नहीं था, कुछ करता तो है नहीं वो, या करता भी होगा तो मेरे को नहीं पता है वो चीज़ें। आइए, सो अभी हम देखिए, जैसे ये डर्ट है तो नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसको हम हाथ से तोड़ सकते हैं, पर जैसे स्टोन होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज हम स्टोन हाथ से नहीं तोड़ सकते। अगर हम स्टोन हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में लग जाएगी, पर माइनक्राफ्ट में ये नहीं होता। सो अभी मैं सिर्फ ये ढूंढ रही हूँ कि मैं स्टोन कहाँ पे स्टोन तोड़ूँ कहाँ पे, मतलब मैं फंबल सा कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बट अभी ये मैं इसलिए डिग ये वाला डर्ट मैंने इसलिए करा बिकॉज मेरे को उधर भी जाना है ऊपर, और मेरे पास बिल्कुल लैडर नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं। सो आइए, इसे सिर्फ हमें तोड़ना है और मैं शायद इसको अंदर अंडरग्राउंड बेस भी बना लूँ अपने लिए, शायद, पक्का नहीं पता मेरे को, बट मेरे को नहीं पता, शायद मैं बना लूँ।
आइए ऊपर ऊपर का रास्ता बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इधर ही फंस इधर से निकलने में टाइम लगता है ऐसा। अभी सिर्फ एक ब्लॉक और तोड़ना है और बस हम ऊपर आ जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि रात हो जाएगी तो मैं इधर ही आके सो जाऊँगी बस, और कुछ नहीं करूँगी बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई भी मतलब कोई भी ज़ॉम्बी रात में या क्रीपर या स्केलेटन या वो मेरे को उनका नाम नहीं पता है, उनकी आंखें डायमंड वाले ब्लॉक्स जैसी लगती हैं, उनके हाथ में शायद कुछ नहीं होता या होता भी है वो नहीं पता, बस मेरे को उनका नाम नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो मेरे को बता दीजिएगा। आइए एक्स मैंने ले रखी है, मेरे को डर सा अभी रात शाम सी हो रखी है, जैसे कि आपको मौसम दिख ही रहा होगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ सो अभी मेरे को थोड़ी सी लाइट दिख रही है उधर से, आइए जाके देखते हैं कोई भी ट्रेजर हो सकता है उधर। ओ चेस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब वुड की एक्स है, स्टिक्स है और बस, कैरेट और एप्पल, और मेरे को रॉटन जो मेरे काम का नहीं होगा वो मैं इसमें ही डाल दूँगी, जो जैसे डर्ट तो शायद नहीं डालूँ बट पता नहीं। आइए अभी मैं सोच रही थी कि ये ट्रेजर लेक के सारा मैं ये वीडियो भी एंड कर दूँ, बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने इतनी लंबी वीडियो बना चुकी है। सो बाय बाय।